कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस की भारत बचाओ रैली के बारे में भी जानकारी दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अर्थव्यवस्था का लगातार मजाक बनाकर रखा है। 14 दिसंबर को रामलीला के मैदान में भारत बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। उसी के लिए मैं आगरा थोड़ा इधर होते हुए सबसे यही आग्रह है कि ये देश की आज़ादी को, खासतौर से आर्थिक आज़ादी को, नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके, छोटे छोटे उद्योगपति और व्यापारी जो तबाह हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ये रैली का आयोजन है, उसको सब सफल बनाए। मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद कर दिया है। कहने को तो ये 4.5% GDP है, पर सच्चाई अलग है। 4.5% 2014 में जो इनपुट बदला गया है, मानक बदला गया है, उसके कारण दिखा रहा है, वरना तो ये 3.5% GDP आ चुकी है। और 1% GDP धरने का मतलब है 1 करोड़ से आसपास लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लाखों करोड़ का देश का नुकसान होता है। और उन्हीं सब से ध्यान हटाने के लिए कभी वो सिटीजन बिल लाते हैं, कभी वो 370 करते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि अर्थव्यवस्था की तबाही बर्बादी से हटाने के लिए। अब मजाक हो गया, प्याज 200 रुपये किलो तक बिक गया, किसान को 5 रुपये किलो भी नहीं मिला। 200 रुपये किलो अगर बिकी है तो 195 रुपये प्रति किलो, ये कौन मुनाफा कमा रहा है? तो मोदी सरकार में मुनाफाखोर कालाबाजारी करने वाले हैं। वहीं प्रमोद तिवारी ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्याज के दाम 200 रुपये के आंकड़ों को पार कर गई और सरकार सो रही है। साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को देश के खिलाफ बताया। ये मान लेता प्याज है ही नहीं, प्याज है पर 200 रुपये किलो में उपलब्ध है, 20-25 रुपये किलो में उपलब्ध नहीं है। किसान से 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये में खरीदा गया। ये आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा की गई। जब बारिश हो गई थी मालूम था प्याज की आमद कम होगी, तो क्यों नहीं अफगानिस्तान से पहले खरीदने का निर्णय लिया गया? क्यों अकाल पैदा किया गया? ये कृत्रिम इसी को कहते हैं कृत्रिम संकट, आर्टिफिशियली पैदा किया गया और इसीलिए आज उपभोक्ता परेशान है। नागरिकता बिल जो पास हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है इस पे साफ कि ये वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जो आर्थिक संकट है लाया गया है और ये संविधान के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट गया, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में ये लीगल स्क्रूटनी में खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। बलात्कार की घटनाओं पर उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो सरकार पूरी तरह तानाशाही कर रही है। अब जिस तरह से बलात्कार हुआ उन्नाव में, लड़की जिंदा जलाई गई, मैनपुरी में लड़की की मौत हुई, शाहजहाँपुर में जो अपराधी है वो अस्पताल में मस्ती ले रहा है और लड़की जिसके साथ बलात्कार होता है वो जेल में थी, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो इस समय तो पूरी तानाशाही ये मोदी सरकार नहीं, ये हिटलर शाही। तो हैदराबाद वाले कांड को आप क्या कहेंगे? हैदराबाद कांड में जिन लोगों ने किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक नैसर्गिक न्याय जो है उसके माध्यम से सजा देनी चाहिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समयबद्ध कर दिया है, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए क्या वो सही हुआ क्या गलत हुआ, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा। देश अराजकता की ओर नहीं, देश हिटलर शाही की ओर जा रहा है, तानाशाही की ओर जा रहा है। और चूंकि अराजकता इसलिए पैदा हो रही है, तानाशाही की ओर जा रहा है। मोदी जी बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं, इनकी सरकार जिस रास्ते से हिटलर चला था। आपको बता दें कि दिल्ली में 14 को कांग्रेस की भारत बचाओ रैली होनी है। इसके चलते कांग्रेस नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।